अगर ये सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ज़्यादातर लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 29 × 29 − 21 × 21। पर मुझे ऐसे लगता है कि हम इसको ईजियर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 29² − 21² को हम लिख सकते हैं 29 − 21 × 29 + 21। ये कहाँ से आया? ये एक आइडेंटिटी से आया जो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ रहा है आंसर? 8 × आपके पास आ गया 50, विच इज़ इक्वल टू 400। तो ये कितना ईजी था। इमेजिन करो कि आप 29 × 29 निकाल रहे हो, 21 × 21 निकाल रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और एक ये मेथड। तो अब ये कैसे आया था? एक आइडेंटिटी होती है a² − b² विच इज़ इक्वल टू a − b × a + b। तो हमारा जब यहाँ पे 29² − 21² लिखा था तो ये a² है और ये b² है। तो हम ये आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करने से हमारी कितनी सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है।